जोधपुर की जनायन व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में महज 2 दिन का समय बचा है और सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 2 दिनों से विश्वविद्यालय में अवकाश होने के कारण प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए घर घर जाकर वोट मांगने पड़ रहे हैं, तो कुछ प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए अलग से सोशल मीडिया की टीम बनाई हुई है और वह सभी छात्रों को मैसेज कर अपने सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए अलग से सोशल मीडिया की टीम बनाई है और वह सभी छात्रों को मैसेज कर अपने अपने समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशियों ने बताया कि चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी उत्साह है। अवकाश होने के बावजूद भी कई छात्र विश्वविद्यालय परिषद के बाहर मिलते हैं, तो कुछ छात्र छात्रावास में जाकर मत देने की अपील कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए भी हर स्टूडेंट से टच करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छात्र हितों से जुड़े हर समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उनका प्रयास होगा कि जोधपुर के जनायन व्यास विश्वविद्यालय को एक बार फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही कुछ छात्र छात्राएं टाइम पर भी चर्चा कर रही है। कई छात्र नेता रेस्टोरेंट होटलों में अपने समर्थकों के साथ चाय पर चर्चा करते भी नजर आए हैं, तो कई प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया की टीम लगातार समर्थकों को मैसेज कॉल इसके साथ साथ लाइव पर भी आकर अपने समर्थन के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक लाइव पर भी अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं। जोरों शोरों से चल रहा है, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से काफ़ी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो 2 दिन अवकाश के कारण हम सारे जितने भी ग्रामीण विद्यार्थी हैं उन तक पहुंच रहे हैं और अपनी विचारधारा उनको बता रहे हैं, और लोग काफ़ी अच्छे प्रभावित हो रहे हैं और 36 कौम का बहुत बढ़िया प्यार और समर्थन मिल रहा है। विश्वविद्यालय आज कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। इस विश्वविद्यालय को ऊपर लाने के लिए एक संगठित छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र संघ होना चाहिए और मजबूत छात्र संघ होना चाहिए। मुद्दों की जब मैं बात करूँ, जब स्टार्ट हम आज कैनॉल के आगे खड़े हैं तो कैनॉल से करें तो यहाँ पे एक पीजी की व्यवस्था यहीं पे होनी चाहिए और इसके अंदर पीजी के हॉस्टल भी अलग से होनी चाहिए। और जब आगे आर्ट्स और कॉमर्स की करें, जैसा कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक का स्तर है और यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर सबसे बड़ा औद्योगिक की नगरी में सबसे बड़ी जगह बात रखता है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी औद्योगिक संगठन हैं उनसे बात करके यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको सीधी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कराऊँ। और उसके अलावा जब हम लो फील्ड की बात करें तो लो के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है और उनको प्लेसमेंट की ज़रूरत है। मैं बेसिकली खुद ही BLLB का स्टूडेंट हूँ, BLLB क्लियर करके आया हूँ, तो मुझे भी आज लगता है कहीं ना कहीं एक प्लेसमेंट के लिए एक IT सेल इनका अलग से होना चाहिए। देखिए, विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन से अवकाश है, जन्माष्टमी आ गई, फिर संडे का हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक उत्साह देख रहा हूँ कि छात्र जो है विश्वविद्यालय के कैंपस के बाहर भी मिलते हैं, हम विश्वविद्यालय के छात्रावास संबंधित छात्रावास में भी जा रहे हैं और उनके साथ साथ जो है हम डोर टू डोर जाकर के विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से जो है वोट देने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ये वक्त है विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पर्व का, क्योंकि छात्र संघ जो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है उसको देखते हुए विश्वविद्यालय में जो अब छात्र संघ इलेक्शन है और 27 तारीख को वोटिंग होने वाली है, उसको लेकर के विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों में जोश है। विश्वविद्यालय के 21,000 छात्र इस बार परिवर्तन का जो है निशान साफ दिखाई दे रहा है। सब छात्र चाहते हैं कि इस बार विश्वविद्यालय का एक ऐसा जो है प्रेसिडेंट बने जो छात्र हितों की बात करें, छात्रों की आवाज़ उठा सके और तमाम मुद्दों पर बात करें। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा कोई है कि विश्वविद्यालय के आम छात्रों के सामने एक ऑप्शन लेकर आया है कि विश्वविद्यालय में इस बार जो प्रेसिडेंट बनेगा वो मुद्दों पर बनेगा, यानी जो छात्रों की असली में आवाज़ है जिनको किसी ने नहीं उठाया था। अगर मैं बात करूँ 2010
के बाद जब वापस राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव करवाए थे उनको लेकर के 2018 के बीच में तमाम छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने वाहवाही की थी, धरातल पर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि विश्वविद्यालय के आम विद्यार्थी का भला हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि हम दिक्कत आने के बावजूद भी, मुझे खुशी इस बात की है कि विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो है विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर हो या फिर जो है कैंपस के बाहर भी मिलते हैं और वहीं छात्रावास में जाते हैं, तो इस बार जोश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बार सोशल मीडिया पर अगर मैं मेरे फेसबुक और पेज की बात करूं तो मुझे बहुत उत्साह दिख रहा है और मेरा एक प्लान रहता है, विजन रहता है कि जब भी दिन में कैंपेनिंग करने के बाद रात को मैं सोशल मीडिया पर पहले लाइव आता हूं और उसमें मेरे जो मुख्य एजेंडे होते हैं उन एजेंडे को बताता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत कम समय में उनके ऊपर शेयरिंग होती है और उसके ऊपर व्यूज़ आते हैं। उनसे खुशी इस बात की होती है कि मैं पहला छात्र संघ अध्यक्ष ऐसा हूँ, दावेदारी ऐसा कर रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय पर प्रत्येक दिन अपने शाम को विजन को लेकर के जो है मैं लाइव आता हूँ और उसको लेकर के विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों के पास मेरे मुद्दे पहुँचने में आसानी होती है। सर, मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि यूनिवर्सिटी को प्लेसमेंट से जोड़ना। यूनिवर्सिटी SFS की फीसेस प्रोवाइड फीसेस लेती है लेकिन प्लेसमेंट जीरो है, तो मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स पे करते हैं फीस, काफ़ी उम्मीदों से यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनको मैं प्लेसमेंट दिलाने की कोशिश करूँगा। जो एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी का बनता है अभी, जो अकॉर्डिंग टू ए ग्रेड से सी ग्रेड पहुँच चुका है, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो और नीचे स्तर चला जाएगा यूनिवर्सिटी का। हम यूनिवर्सिटी के स्तर को गिरने नहीं देंगे। ए ग्रेड तक पहुँचा तो नहीं सकता लेकिन बी तक लाके जरूर छोड़ने की कोशिश करूँगा और अपने साथियों को निराश नहीं होने दूँगा। मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, इस बार बुक्स के लिए हम पूरी जो जान कोशिश करेंगे और जो इतना भी फंड होगा अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है तो ठीक, नहीं तो हम बाहर से लाके बच्चों के लिए बुक्स प्रोवाइड कराएंगे। गर्ल्स की सेफ्टी हुई, उसके बाद में हैंडीकैप बच्चों के लिए हुआ, कोई फीस किसी अगर आर्मी पर्सन की फीस प्रोवाइड नहीं करवा सकते उनकी फीसेस का प्रोवाइडेशन हम कराएंगे। हम यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, हमने क्लासेस देखी, BBA की क्लासेस देखी, BCom की देखी, BSc की देखी, जो 2.5-3 लाख MBA की क्लासेस देखी उनमें भी पंखे नहीं चल रहे, लाइट्स नहीं चल रही। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बिल्डिंग सेल से कि उनकी लाइट, पंखे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करें और सही करें और यूनिवर्सिटी के स्तर को गिरने ना दें। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए और यूनिवर्सिटी को डूबने से बचाएंगे। धन्यवाद। की मेन समस्या वॉशरूम प्रॉब्लम, एक वॉशरूम प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो गर्ल्स बाहर से आती है गांव से उनके लिए ज़्यादा, और ब्लाइंड्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लाइंड्स के लिए मैं चाहती हूँ एक अलग से क्लासेस हो क्योंकि उनकी पढ़ाई भी आसानी से हो पाती है और अगर ब्लाइंड्स के लिए अलग से नहीं होगी तो वो आ भी नहीं पाती है, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार ऐसे आती है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या ब्लाइंड्स की है, जो भी विकलांग वगैरह हैं उन सबकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि भाई वो नहीं आ पाते हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट बने, कुछ भी बनो, तो जाके बस एक विकलांगों के लिए एक अलग से क्लासेस शुरू होनी चाहिए, सबसे बड़ा एम यही है हमारा। मेरा नाम मीनू थवर है।